सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू यूपीएससी पीडिया। सो अगर हम कल से काउंट करते हैं तो 23 जनवरी तक अराउंड 75 डेज है फॉर 67 बीपीएससी प्री एग्जाम एंड आई एम हियर विद द 75 डेज स्टडी प्लान। इससे पहले हमने एक 60 डेज का स्टडी प्लान डिस्कस किया था। आई होप आप उस 60 डेज प्लान के साथ चल रहे हैं, बट क्योंकि अब एग्जाम डेट एक्सटेंड हो गई है सो हमें जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड आई एम हेयर विद द 75 डेज स्टडी प्लान। सो इस प्लान में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स कौन कौन सी डेट्स पे खत्म करने हैं, कितना घंटे देने हैं आपको और कौन कौन से सोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। एंड रिगार्डिंग सोर्सेज गाइज, याद रखना कि हर पर्सन की स्ट्रैटेजी, आपने बहुत सारे टॉपर्स की वीडियोज देखी होंगी, तो कोई पर्सन लूसेंट पढ़ता है, कोई पर्सन घटना चक्र पढ़ता है, कोई पर्सन क्राउन पब्लिकेशन की जो जीके आती है वो पढ़ता है, तो सारी बुक्स एक जैसी होती हैं, तो आपको किसी एक बुक पे स्टिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप सारी बुक्स पढ़ने लग जाओ, बिकॉज उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस दुनिया की सारी बुक्स पढ़ के चले जाओगे तब भी आपके 150 में से 150 नंबर नहीं आएंगे, बिकॉज देर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि किसी भी बुक में नहीं होते। ठीक है, सो यू हैव टू फॉलो अ डेफिनेट स्ट्रैटेजी। ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला कि लूसेंट पढ़ लो तो लूसेंट पढ़ने लग गए, किसी ने बोला घटना चक्र पढ़ना है तो घटना चक्र पढ़ने लग गए, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है। यू हैव टू स्टिक टू अ सिंगल स्ट्रैटेजी, ठीक है, एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम निकलेगा। तो उसी स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आज डिस्कस करूंगा। सो लेट्स टॉक अबाउट द 75 डेज स्टडी प्लान। सी अगेन, द सब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू हिस्ट्री, हिस्ट्री है, जनरल साइंस है, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स एंड बिहार स्पेशल। सो ये 8 ही सब्जेक्ट हैं केवल जो कि आपको बीपीएससी प्री के लिए पढ़ के जाने हैं। एंड चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ हिस्ट्री के, तो अराउंड 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी हिस्ट्री के बारे में कि अगर आपके बीपीएससी प्री में हिस्ट्री के 90% सॉल्व हो गए क्वेश्चन, आपको 90-95% क्वेश्चन आते हैं, यानी कि अगर लेट सपोज 40 क्वेश्चन पेपर में आए हैं तो अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन कर दिए तो आपका एग्जाम निकल गया, बिकॉज जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बाकी टॉपिक्स हैं, उससे जो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। ठीक है, तो हिस्ट्री के सबसे ज्यादा वेटेज होता है हिस्ट्री का 35 से 40 क्वेश्चंस। तो हिस्ट्री में मैंने आपको दिए 20 दिन और ये टाइम टेबल कल से डिजाइंड है, यानी 10 नवंबर से डिजाइंड है। ऑलराइट, हिस्ट्री के लिए मैंने आपको 20 दिए हैं पूरे के पूरे 20 दिन। इससे पहले भी मैंने आपको 15 दिन दिए थे हिस्ट्री के, जब हमने 60 डे स्टडी प्लान किया था और उसमें हमने स्पेक्ट्रम और लूसेंट के बारे में आपको बताया था। बट अब क्योंकि आपको और दिन मिले हैं तो ऑफकोर्स आपको अपने जो स्फेयर है ऑफ प्रिपरेशन उसको बड़ा करना चाहिए। सो अब आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी है इन 20 दिनों में। पहली, 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है और लूसेंट का जीके पढ़ना है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री पे मत जाना 11th और 12th की, आई रिपीट दिस, वर्ल्ड हिस्ट्री को नहीं पढ़ना है। 11th और 12th की एनसीईआरटी में वर्ल्ड हिस्ट्री भी है, उसको आपको नहीं पढ़ना है, केवल एशियन मिडिवल और मॉडर्न आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा कोई हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कल्चर एंड आर्ट्स की भी बुक होती है कई जगहों पे तो वो भी आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड ऑफ दैट। ठीक है, सो 11th की एनसीईआरटी, 12th की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड लूसेंट की जीके तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लूसेंट की जीके की जगह आप अगर कोई और जीके की बुक पढ़ना चाहते हो, क्राउन पब्लिकेशन की है, केबीसी नानू की है, तो पढ़ सकते हो, देयर इज नो इशू। सब बुक्स एक जैसी होती है बट किसी में कंटेंट बस 19-20 का फर्क होता है। ऑलराइट, बट आई वुड सजेस्ट कि लूसेंट की जीके पढ़ो। एंड जो पिछला वाला स्टडी प्लान था उसमें स्पेक्ट्रम और लूसेंट मैंने मेंशन किया था, तो आई होप अब तक में तो वो हो गया होगा। तो बेसिकली अब आपको बचे हुए 20 दिनों में स्पेक्ट्रम, लूसेंट, जीके तो आपको रिवाइज करनी है क्योंकि आप वो पहले कर चुके हैं, एंड 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी पे ध्यान देना। ठीक है, ये 4 चीजें फॉलो कर लोगे। हिस्ट्री के अगर 40 क्वेश्चन आए तो 36-37 क्वेश्चन कन्फर्म है। ठीक है, कोई नहीं रोक सकता। ऑल्सो अब इसमें एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी आपको हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री में जो गाइस क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं, हिस्ट्री में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो पिछले 10 साल के पेपर्स उठा लो, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, 10 साल के पेपर उठा लो 10 ईयर्स के। ठीक है, और डेफिनेटली इन 10 सालों के पेपर में से तुम्हें 5-6 क्वेश्चन तो मिलने ही मिलने हैं। जैसे एक क्वेश्चन फेवरेट है बीपीएससी का कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया, शुक्ला जी ने, एंड 1857 की जो लड़ाई थी उसमें बिहार की तरफ से बिहार का में प्रोमिनेंट लीडर कौन थे, कुंवर सिंह थे। सो कुछ क्वेश्चन तो इनके फेवरेट है हिस्ट्री में, वो आते ही आते हैं। ऑलराइट, तो 10 पिछले साल के पेपर भी आपको हिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली करके जाने, क्योंकि
मैं आपको ये पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्री के लिए अब आपके सामने पांच चीज हो गई। देखो इलेवेंथ की एनसीईआरटी को आपको देने शुरू के 7 दिन, 7 days, ठीक है। ट्वेल्थ की एनसीईआरटी को भी आपको देने हैं 7 दिन, तो 7 और 7 14 दिन हो गए। बाकी बचे हुए 6 दिन में से 3 दिन दो स्पेक्ट्रम को और 3 दिन दो लूसेंट जीके को, और प्रीवियस ईयर पेपर तो कभी भी टाइम मिले करते जाओ, ठीक है। नाउ रिमेंबर द टाइम टेबल इज डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट इन द मॉर्निंग एंड सब्जेक्ट इन द इवनिंग, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप 20 के 20 दिन हिस्ट्री पढ़ो, उससे क्या होता है कि दिमाग जो है वो बोर होने लग जाता है, ठीक है। तो मॉर्निंग के लिए अलग सब्जेक्ट है, इवनिंग के लिए अलग सब्जेक्ट है। ना मॉर्निंग में आपको कितना टाइम देना है, 3 घंटे। अगर आप 3 घंटे दे रहे हो, या दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, मैं नहीं कहूंगा कि 3 घंटे देना जरूरी है। कुछ लोग 2 घंटे पढ़ के भी कर देंगे ये पूरा काम। द थिंग इज आपको ये सारी चीजें करनी है इतने इतने दिन के हिसाब से, 7 दिन 11 एनसीईआरटी, 7 दिन 12 एनसीईआरटी, 3 दिन स्पेक्ट्रम, 3 दिन लूसेंट जीके, ठीक है। और 3 दिन भी इसके लिए बहुत ज्यादा दे दिए मैंने, बट ठीक है कोई बात नहीं। और याद रखना लूसेंट का एक एक वर्ड पढ़ के जाना है, एक एक वर्ड लूसेंट, अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो एक एक वर्ड पढ़ के जाना है। इट्स नॉट दैट कि आप केवल हाईलाइटेड फैक्ट्स पढ़ के चले गए और आपका काम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। स्पेशली हिस्ट्री और जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी में आप हाईलाइटेड फैक्ट्स पढ़ सकते हो, बट अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और जनरल साइंस पढ़ रहे हो लूसेंट से, तो आपको एक एक लाइन पढ़ के जानी है, ठीक है। तो ये थी बात हिस्ट्री की। 20 दिन 10 नवंबर से 29 नवंबर मॉर्निंग के समय 3-4 घंटे आपको हिस्ट्री को देने, और ये चार चीजें याद रखना, प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 10 साल के। अगला सब्जेक्ट शाम को ही 10 नवंबर से चालू होगा साइंस। साइंस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है, 15 दिन दिए थे, अब मैं आपको दे रहा हूँ 10 दिन, 10 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक। और सोर्स केवल एक फॉलो करो, लूसेंट, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। लूसेंट में बहुत इंफॉर्मेशन है, एंड लूसेंट की जो स्पेसिफिकली जनरल साइंस है, लूसेंट की जो स्पेसिफिकली जनरल साइंस है, वो मत पढ़ना, आई रिपीट, वो मत पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा साइंस दे रखा है। वो प्रॉपर 11-12 की फिजिक्स भी उसमें घुसाई हुई है, वो नहीं पूछी जाती बीपीएससी, ठीक है। तो जो लूसेंट की बुक आती है, जो लूसेंट की बेसिक जीके वाली जो बुक है, उसमें से जो जनरल साइंस वाला फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाला पोर्शन है, केवल वो करके जाओ, उतना भी कर लिया तो बहुत है। और 10 दिन आई बिलीव काफी है, 2 दिन फिजिक्स को, 2 दिन केमिस्ट्री को, और बायो का पोर्शन थोड़ा ज्यादा होता है, तो 6 दिन वो डिसाइड कर लेना। 3-3, 4 दिन बांट सकते हैं, 3 दिन फिजिक्स को दे दिए, 3 दिन केमिस्ट्री को दे दिए, और 4 दिन बायो को दे दिए, ठीक है। इस हिसाब से आप 10 दिन डिवाइड कर सकते हो, और ये शाम के 3-4 घंटे का आपका काम है, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, दैट डिपेंड्स ऑन योर एफिशिएंसी, ठीक है। उसके बाद एक हल्का सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे, दैट इज इंडियन पॉलिटी। बहुत हल्का सब्जेक्ट है, केवल 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है, और जो क्वेश्चन होते हैं बहुत बेसिक होते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए देखो, अब आप प्रिपेयर कर रहे हो बीपीएससी की, या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन की, या यूपीएससी के भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट होते हैं, तो आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी। अगर इफ़ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट, अगर आप पहली बार इस एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हो, तो लक्ष्मीकांत पढ़ने की पॉलिटी के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी के, वो बहुत बेसिक आर्टिकल्स के, अमेंडमेंट्स के, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जो कि लूसेंट में भी आपको मिल जाएंगे। उसके लिए आपको लक्ष्मीकांत में जाने की जरूरत नहीं है, बट ऑफकोर्स अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ो। एंड 10 दिन बहुत होते हैं लक्ष्मीकांत को पढ़ने के लिए, बहुत ज्यादा है, ठीक है। केवल एक ही बुक पढ़नी है, या तो लक्ष्मीकांत या लूसेंट, दोनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या लक्ष्मीकांत पढ़ लो या लूसेंट पढ़ लो, दोनों में से कोई भी एक, दोनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपको करना है 20 नवंबर से लेकर 29 नवंबर के बीच में शाम के समय, ठीक है। मॉर्निंग में तो 10 से 29 तक हिस्ट्री का फिक्स हो चुका है, शाम के समय 10-10 दिन डिवाइडेड है। 10 नवंबर से 19 नवंबर साइंस, सोर्स रहेगा लूसेंट। 20 नवंबर से 29 नवंबर इंडियन पॉलिटी, सोर्स रहेगा लक्ष्मीकांत, आइदर लक्ष्मीकांत और लूसेंट, ऑलराइट। तो 29 नवंबर 20 दिन आपके निकल गए। अब आगे चलते हैं, ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे 30 नवंबर से। कब से शुरू करेंगे? 30 नवंबर से। सी, पहले भी ज्योग्राफी को 15 दिन दिए थे और उसमें मैंने बोला था लूसेंट पढ़ना, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि टाइम है तो 11th एनसीईआरटी और 12th एनसीईआरटी भी पढ़ी जा सकती है। अब इसमें याद रखना, 12th में एक ह्यूमन ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए पूरी की पूरी किताब चाटने की कोई जरूरत नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी लूसेंट से कवर हो जाएगी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, इस टाइप का आता है, तो दैट कैन बी कवर्ड थ्रू लूसेंट। उसके लिए पूरी की पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलराइट।
अब आपको कोई लोग कहेंगे एनसीईआरटी पढ़ना है, जरूरी है। जी देखो, एनसीईआरटी बहुत अच्छी किताब है आई वुड से, बट जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमें उसी हिसाब से स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा। इलेवंथ और ट्वेल्थ में आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, बस। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपको ना तो ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़नी है ना ही वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़नी है, दैट इज बीइंग कवर्ड बाय लूसेंट। ठीक है, तो लूसेंट तो पढ़ना ही है, ठीक है, लूसेंट छोड़ना नहीं है। साथ में इलेवंथ एनसीईआरटी और ट्वेल्थ एनसीईआरटी, और दस दिन है तो आप इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो? यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इट लाइक लूसेंट के लिए आपने दे दिए 3 दिन, ठीक है, लूसेंट के लिए आपने 3 दिन दिए, इलेवंथ एनसीईआरटी के लिए 4 दिन, क्योंकि इसमें फिजिकल ज्योग्राफी है थोड़ा सा टाइम लगता है, तो और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी के लिए अगेन 3 दिन, ठीक है। या फिर आपके अपने आप अपने कंफर्टेबल के कंफर्ट के हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हो, इसको 3, इसको 2 दिन दे सकते हो, बाकियों को 4-4 दिन भी दे सकते हो, बिकॉज लूसेंट कैन बी कवर्ड इन 2 डेज, बहुत आराम से हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया ज्योग्राफी। 9 दिसंबर तक आपके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, और पहले भी आपने करे होंगे तो आप समझ लो कि आपकी रिवीजन ही चल रही है, और एंड तक जाते जाते आपको 3 बार रिवाइज करा दूंगा मैं चीजें। तो 30 नवंबर से 9 दिसंबर तक आपको ये करना है मॉर्निंग के टाइम। अब आ जाओ इवनिंग में, क्या करें? इवनिंग में पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। अब इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं गाइस, जनरली वो कैसे होते हैं मैं बताता हूँ, कि मिनरल रिसोर्सेज कहाँ पे क्या है, ऑल्दो वो ज्योग्राफी का भी पार्ट होगा, या इंडियन इकोनॉमी में FDI का क्या मतलब होता है, FDI की परसेंटेज कितनी है इन सर्टेन सेक्टर, या फॉर एग्जांपल जो फिस्कल पॉलिसी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी बेसिक नेचर, एंड इंडियन इकोनॉमी और गवर्नमेंट स्कीम मिला के 10-15 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो रमेश सिंह या फिर नितिन सिंघानिया, दोनों ही TMH की बुक है, दोनों में से कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो फॉर हैविंग द डिटेल्ड फैक्ट्स। ठीक है, जो बेसिक फैक्ट्स हैं, डिटेल्ड फैक्ट्स हैं, उस दोनों में मिल जाएगा आपको। तो अगर आपने रमेश सिंह पहले पढ़ रखी है देन डोंट गो फॉर नितिन सिंघानिया, अगर नितिन सिंघानिया पढ़ रखी है देन डोंट गो फॉर रमेश सिंह, अगर दोनों में से कोई भी नहीं पढ़ी हुई है कभी भी, देन आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर नितिन सिंघानिया। ठीक है, बिकॉज नितिन सिंघानिया में थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिवली एक्सप्लेन है चीजें, ठीक है, बट ऑफकोर्स उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है नितिन सिंघानिया में से। अगर आपको नितिन सिंघानिया पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही होगी तो मुझे बताना, मैं समझा दूंगा कि कौन कौन से उसमें चैप्टर पढ़ने हैं। एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट स्कीम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, टाइप करो अनुज जिंदल गवर्नमेंट स्कीम ऑन यूट्यूब, आपको एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम वहाँ पे अवेलेबल है कवर्ड बाय मी। ठीक है, तो 30 नवंबर से 9 दिसंबर शाम के टाइम यू हैव टू फॉलो दिस, और याद रखना रमेश सिंह और नितिन सिंघानिया दोनों में से कोई एक ही पढ़ना है, दोनों पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आगे चलते मैथ्स, मैथमेटिक्स पे आ जाओ। देखो मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन यार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, पहली बात तो ये, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ये 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 9 भी आ रहे हैं, 9 भी सही हो रहे हैं, तो मैं वो कहूंगा कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, 10 में से 10 चाहिए इसमें। ठीक है, और 10 में से 10 लाए जा सकते हैं बहुत आराम से। 10 में से 10 क्या करना है, कुछ नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, BPSC के पिछले 10 साल के पेपर उठा लो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो ऑफकोर्स आप उस टॉपिक पे जाओगे, उस टॉपिक की बाकी चीजों को भी देखोगे। या फिर CGL की कोई भी बुक, किरण प्रकाशन की है, किरण पब्लिकेशन की है, राकेश यादव सर की है, अभिनय शर्मा सर की है, किसी की भी आप देख सकते हो, कोई भी बुक रिसेंट सी CGL के साथ, ये आपको पढ़ना है 10 दिसंबर से 19 दिसंबर। इसके लिए भी आपको मैंने कितने दिन दिए, 10 दिन। 10 दिन बहुत है भाई, मैथ्स के लिए ज्यादा नहीं दे, ठीक है। एंड यू कैन सी आपका रिवीजन 10 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा शाम के टाइम, ये केवल मॉर्निंग टाइम करना आपको, 3-4 घंटे 2 घंटे जितना भी आपको टाइम लगता है, 10 दिसंबर से ही रिवीजन शुरू है, उसकी हम बात आगे करेंगे। ऑलराइट, नाउ अब आप सोच रहे होगे यार आपने करंट अफेयर और बिहार स्पेशल तो बताया नहीं, तो भाई वो तो रोज पढ़ना है, करंट अफेयर तो छोड़ना ही नहीं है। करंट अफेयर के 30-35 क्वेश्चन है, और कभी कभी 40 क्वेश्चन भी पहुंच जाते हैं, करंट अफेयर के 40 क्वेश्चन भी पहुंच सकते हैं, तो डेली 1 घंटा आपको करंट अफेयर पढ़ना है। और सोर्स क्या रहेगा, स्पॉटलाइट, सोर्स रहेगा स्पॉटलाइट और PIB करंट अफेयर्स। PIB करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ेंगे, अगेन अनुज जिंदल PIB 247 सर्च करो, वहाँ पे यू विल फाइंड द डिटेल्ड PIB करंट अफेयर्स सेशन बाय मी एंड स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मंथली मैगजीन है जो कि रिलीज होती है ऑन अनुज जिंदल .in, यू कैन फॉलो दैट। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 2 चीज अगर आप फॉलो कर रहे हो, स्पॉटलाइट और PIB करंट अफेयर्स, इससे बाहर करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं आने वाला। बिकॉज BPSC में जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत आसान होते हैं, बहुत बेसिक होते हैं,
कुछ क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर से भी होते हैं, उसका सेशन मैं आपका अलग से कंडक्ट कराऊंगा जैसे ही टाइम आएगा। अभी उसका टाइम नहीं है, अभी आप ये सारी चीजें पढ़ो, ठीक है। इस महीने से ही हम शुरू करेंगे बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल जीके, देन आई विल स्टार्ट विथ मैराथन ऑफ जनरल साइंस। टाइम मिलेगा तो मैं इंडियन पॉलिटी का भी मैराथन कराऊंगा, हिस्ट्री का भी मैराथन कराऊंगा, सब कुछ कवर होगा। बट फॉर दैट आपको पहले प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो सिर्फ एक रिविजन सेशन होंगे ताकि आपका रिविजन अच्छे से होता रहे, ठीक है। तो डेली एक घंटा करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल डेली 30 मिनट पढ़ लो। तो बिहार स्पेशल के लिए कौन सी बुक फॉलो करें? सर कोई कहता है केबीसी नैनो ले ले, कोई कहता है कि बिहार एक परिचय ले ले, कोई कहता है कि नहीं लूसेंट की ले लेते हैं, कोई कहता है कि नहीं क्राउन की ले लेते हैं। कोई भी एक किताब ले लो, कोई भी, ठीक है। और जो बिहार स्पेशल के 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 50% क्वेश्चन के लिए आपको कोई भी बिहार स्पेशल की बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो बाकी चीजों में कवर्ड हो रहा है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन बोला जाए कि चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का सबसे पहला सत्याग्रह इंडिया में कौन सा था, तो आंसर विल बी चंपारण सत्याग्रह। तो क्या आप इस क्वेश्चन को बिहार स्पेशल में काउंट करोगे? चलो कर भी लोगे तो क्या आपको इसके लिए बिहार स्पेशल की बुक पढ़ने की जरूरत है? ऑफकोर्स नॉट, समझ रहे हो। ये तो आपको बेसिक बुक्स में भी से भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे, फाइट होती है बाकी 50% की। उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि या तो बिहार समग्र ले लो केबीसी नानो की, या फिर बिहार एक परिचय ले लो, ठीक है। बिहार एक परिचय, दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। बिहार परिचय दो में आती है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में आती है, तो आपकी मर्जी है। बट ये इसका आई थिंक इंग्लिश वर्जन नहीं होता है, इंग्लिश वर्जन, लेकिन बिहार समग्र का है, तो आप बिहार समग्र ले लो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो। हिंदी मीडियम के हो तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और याद रखना जो 10 से 15 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के लिए हैं उसमें बहुत ज्यादा इफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। 50% क्वेश्चन आपकी नॉर्मल चीजों से कवर हो रहे हैं, इनमें से कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी केबीसी नैनो की ले लो, बिहार समग्र या फिर बिहार एक परिचय ले लो, दोनों में से कोई भी एक ले लो, चल जाएगा काम तुम्हारा। ऑलराइट, तो ये था अभी तक का पूरा आपका स्टडी प्लान। 75 डेज का भी पूरा नहीं हुआ है अभी तक, हम 19 दिसंबर पे ही पहुंचे हैं, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे रिवीजन की, ठीक है। अब आ जाओ रिवीजन पे, रिवीजन कब से शुरू करना है, कैसे करना है। तो 10 दिसंबर से रिवीजन शुरू हो गया था शाम के टाइम, ठीक है। 10 दिसंबर से सबसे पहले आपको उठाना है साइंस शाम के टाइम, 10 दिसंबर से 19 दिसंबर। सी आप एक बात याद रखो, आज चलते चलते मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके ये तीन सब्जेक्ट स्ट्रांग है साइंस हिस्ट्री और करंट अफेयर्स, लगभग 90 से 100 क्वेश्चन इन तीन सब्जेक्ट से आ जाते हैं आउट ऑफ 150। अगर ये तीन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए तो एग्जाम तो निकल गया। कट ऑफ कितनी जाती है, 104, 105, मान लो कि 110 भी जाती है कट ऑफ, तो भी 100 नंबर तो यहीं आ गए। चलो 100 नहीं आए, 90 तो आ गए, बाकी बचे हुए 50 में से 20 तो लाओगे यार कि नहीं लाओगे? ऑफ कोर्स लाने चाहिए। तो ये तीन सब्जेक्ट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस रखना है, जनरल साइंस पे, हिस्ट्री पे और करंट अफेयर्स पे। और जो सोर्स मैंने बताए हैं उसके अलावा सोर्स मत पढ़ना। कोई तुम्हें कहे कि ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन पढ़नी चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है उसको पढ़ने की, कोई जरूरत ही नहीं है। या कोई कहे कि जी सी लियोंग पढ़ना चाहिए ज्योग्राफी के लिए, कोई जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए कोई बोले आपसे कि कोई एक रेफरेंस बुक फॉलो करनी चाहिए, कोई जरूरत ही नहीं है। जनरल साइंस के लिए समवन टेल्स यू कि भाई 12th की बायो का ये वाला चैप्टर जो आखिरी के बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर हैं वो भी पढ़ने हैं, जरूरत ही नहीं है। या एनसीईआरटी भी मत पढ़ो, मैं तो कहूंगा साइंस के लिए सिर्फ लूसेंट पढ़ो, लूसेंट में से क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। नाउ रिवीजन की बात कर लो, साइंस 10 दिसंबर से 19 दिसंबर साइंस चलानी है, ठीक है। 10 दिन शाम के टाइम रिवीजन आराम से हो जाए, 10 दिन पहले भी दिए थे, 10 दिन फिर दे रहा हूँ, 15 दिन पहले भी दिए थे, इससे ज्यादा तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आई बिलीव साइंस के लिए। हिस्ट्री 20 दिसंबर से 31 दिसंबर 11 दिन तुम्हें मैंने फिर से दिए हिस्ट्री को रिवाइज करने के लिए। एक बात याद रखना, अगर चीज़ों को एक बार पढ़ के जाओगे या दो बार पढ़ के जाओगे या तीन बार भी पढ़ के जाओगे चीज़ें याद नहीं रहेंगी, पांच बार चीज़ों को पढ़ना है, पांच बार, ठीक है, तभी वो चीजें याद हो पाएंगी। ज्योग्राफी 1 जनवरी से 5 जनवरी 5 दिन बहुत है। पॉलिटी 5 दिन 6 से 10 जनवरी। मैथ्स अगेन 11 to 15 5 दिन मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे बहुत, क्योंकि इसमें से ज्यादा वेटेज है नहीं। इंडियन इको स्कीम के लिए भी ज्यादा वेटेज नहीं है, 5 दिन काफी है। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल अभी भी आपको जारी रखना है, 1 घंटा करंट अफेयर और आधा घंटा बिहार स्पेशल, ठीक है। कोई भी जो बुक है आपकी, या तो केबीसी नैनो वाली समग्र या फिर परिचय, दोनों को अगर आप अभी से आधा आधा घंटा रोज पढ़ोगे तो पूरी किताब खत्म हो जाएगी, और वही करना हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी रिवीजन को आगे लेके जाओगे। नाउ
मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट भी तो देने पड़ेंगे, बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने मत जाना, क्योंकि अगर बिना मॉक टेस्ट के पेपर देने गए तो जितना मर्जी पढ़ा हो पक्का फेल होगे 100%। तो मॉक टेस्ट पे आ जाओ, मॉक टेस्ट करने हैं 20, यस 20 मॉक टेस्ट करके जाने कम से कम। अगर तुमने 20 मॉक टेस्ट कर लिए तो तुम पास हो गए, ठीक है, और हो जाएंगे आराम से, क्योंकि बहुत टाइम है। 9 दिसंबर को आपको पहला मॉक देना है, तो अपने टाइम टेबल पे वापस लौटो, देखो 9 दिसंबर तक जितने भी तुम्हारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर्ड है। ये कवर्ड है, ज्योग्राफी कवर्ड है, हिस्ट्री कवर्ड है, हिस्ट्री कवर्ड है, साइंस कवर्ड है, इंडियन पॉलिटी कवर्ड है, 5 सब्जेक्ट तो कवर है। करंट अफेयर और बिहार स्पेशल तुम साथ चला रहे हो, ठीक है, तो वो भी ऑलमोस्ट कवर्ड है। तो 9 दिसंबर को ही तुम पहला मॉक टेस्ट दे सकते हो अपना, ठीक है। 9 दिसंबर को पहला मॉक टेस्ट दिया, और उसके बाद अल्टरनेटिवली दिया, आखिरी मॉक टेस्ट देना है 16 जनवरी को। 16 जनवरी के बाद मॉक टेस्ट मत देना, क्योंकि अगर इसके बाद अगर टेस्ट में नंबर कम आ गए तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, तुम्हारी सारी जो मेहनत है उस तुम्हें लगेगा कि मेरे को कुछ नहीं आता, बट ऐसा नहीं है। मॉक टेस्ट हमारी anujindal.in पे भी लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द, तो आप वहां से भी ले सकते हो, या आपको जिसका अच्छा लगे आप उसका ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मॉक टेस्ट कहीं से भी ले सकते हो, और याद रखना मॉक टेस्ट करते वक्त पूरा पूरा पेपर एक साथ सॉल्व करना है। ये मत करना कि 75 क्वेश्चन अभी कर लिए, 75 बाद शाम को करेंगे, तो फिर उस मॉक टेस्ट को करने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बंद कर देना, फाड़ देना, ठीक है। मॉक टेस्ट पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन एक साथ बैठ के करने हैं, प्रॉपर एग्जाम की तरह, ऐसे मजे में मत करना, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट। इस तरीके से 16 जनवरी तक आपको मॉक टेस्ट देने हैं, रिवीजन आपका खत्म हो जाएगा गाइस 20 जनवरी तक। 21 जनवरी को आप आराम करना, सोना, लंबी लंबी नींद लेना जितनी ले सकते हो, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर 22 जनवरी को ट्रैवल करना, और 23 जनवरी को जाके पेपर दे देना, और तुम्हारा एग्जाम निकल गया, ठीक है, कोई नहीं रोक सकता अगर तुमने ये टाइम टेबल फॉलो किया तो। यही सोर्सेस अगर फॉलो कर लोगे इतने भी तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। सो ये था 75 डेज टाइम टेबल, आई होप आप सबको ये टाइम टेबल क्लियर है। एंड अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड बहुत जल्द आई विल ब्रिंग टू यू द सेशन ऑन बिहार करंट अफेयर्स, द सेशन ऑन बिहार बजट, द सेशन ऑन बिहार इकोनॉमिक सर्वे, द सेशन ऑन जनरल साइंस मैराथन, द सेशन ऑन हिस्ट्री मैराथन, और अगर टाइम मिलेगा तो आई विल ऑल्सो कंडक्ट अ सेशन ऑन इंडियन पॉलिटी मैराथन। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।